नमस्कार, जय श्री राधे। सानूज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मोरिंगा, यानी मेरे भाषा में इसे सोहजन कहा जाता है, बिहारी स्टाइल में। आप लोग इसे क्या कहते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने पहले ही धो के अच्छे से पोंछ लिया है, अब इसे मैं कट करती हूँ। इसे हल्का कट लगा के पूरे ऐसे अच्छे से, थोड़ा सा खींचने पे ही पूरा इसका रेशा जो ऊपर का लेयर होता है अच्छे से हट जाता है और इसे आसानी से आप कर सकते हैं। अगर ये ताज़ा रहता है तो इसे बिना छीले भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो सहजन है वो थोड़े से मोटे हैं और इसके रेशे निकल रहे हैं, तो इसे आसानी से मैं रेशे निकाल लेती हूँ। मेरे सारे सहजन को अच्छे से छील लिया है। छीलने के बाद इतना सारा इसका रेशा निकला है और ये इतना अच्छा दिख रहा है। सबको मैंने सेम साइज में कट किया है ताकि फ्राई करने में और देखने में भी थोड़े से अच्छे लगते हैं। 250 ग्राम सोहजन की सब्जी में मैंने तो आलू ऐड किया है। मुझे तो आलू हर सब्जी में पसंद आता है, किसी किसी में ही मैं स्किप करती हूँ। इसे भी मैंने छोटे छोटे पीस में अच्छे से कट कर लेती हूँ। आलू को तो मैं पहले भी धो चुकी थी, फिर भी इसको छीलने के बाद, इसके कट करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए मैं पानी में डालूंगी। मैंने एक मीडियम साइज के प्याज भी लिए हैं। प्याज के इस पार्ट्स को अच्छे से निकाल लेना चाहिए, उसके बाद कट करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि ये हमारे सब्जी में खाने में नहीं आए। और मैंने इसे भी अच्छे से बारीक काट लिया है। और मैं जब भी हरी मिर्च यूज़ करती हूँ हरे सब्जी में, तो उसे लंबे दो टुकड़े में कट करती हूँ। अगर जिसे नहीं पसंद आए तो वो उसे निकाल सकते हैं। यहाँ मैंने सारे हरे सब्जी को कट कर लिया, जिसमें मेरा ये 250 ग्राम सहजन है और दो छोटे साइज के आलू हैं और एक मीडियम साइज के प्याज है। प्याज और दो हरी मिर्ची को मैंने अच्छे से कट कर लिया है। कढ़ाई मेरी हीट हो गई है। अब इसमें हम सरसों तेल थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं, जिसमें हम पहले सोहजन को हल्का फ्राई कर लेंगे। देख रहे हैं सरसों के तेल में हल्का हल्का धुआं आ गया है। अब इसके फ्लेम को हम लो करके इसमें सोहजन को डाल के और मीडियम आंच में हम इसे थोड़ा सा भुनेंगे। मोरिंगा यानी सोहजन के बहुत सारे फायदे हैं। इसमें विटामिन सी, विटामिन ए भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और इसमें डायबिटीज के पेशेंट के लिए तो माननीय ये वरदान है। इसे खाने से डायबिटीज भी नियंत्रित रहती है। मोरिंगा सब्जी सरसों के बिना बेकार सी लगती है। इसका सबसे बड़ा सिंगार सरसों ही है। जब तक उधर मोरिंगा फ्राई हो रहा है, इसे मैं सिलबट्टे पे अच्छे से बारीक पीस लेती हूँ और साथ ही अदरक और लहसुन का भी पेस्ट मैं अलग से पीस के रख लेती हूँ। तब तक उधर मेरा मोरिंगा फ्राई हो रहा है। जब तक मैं सरसों पीसी तब तक मेरा मोरिंगा भी हल्के लाइट ब्राउन में फ्राई होके तैयार हो गए हैं। इसे ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई होने पे इसके जो भी विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, एक टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी। सब्जी बनाने के लिए पहले मैंने तेल डाल के तेल को गर्म किया और हाफ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम इसमें मैं जीरा ऐड कर दी। जीरा लाल हो चुका है और जीरा लाल होने पे मैं हरी मिर्च और हरी मिर्च के साथ में एक बार कटा हुआ प्याज इसमें ऐड कर देती हूँ। जब तक प्याज मेरा उधर लाल हो रहा है, जो मैंने थोड़े से सूखे मसाले मिलाए थे उसमें थोड़े से हमने पानी डाल के छोड़ देना है। इससे मसाले अच्छे तरह से फूल जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि ज़्यादा तेल मसाला हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है और कोई भी सब्जी जितने भी फायदेमंद होते हैं उसके विटामिन
थोड़े से ही मसाले के वजह से आते हैं, और अगर हम ज़्यादा मसाला का यूज़ करते हैं तो उसके सारे गुण खत्म हो जाते हैं। मुझे तो ऐसे तीखा बहुत पसंद है, बट सेहत के लिए मैं अब कोशिश करती हूँ आप लोगों के साथ थोड़े से ही मसाले डाल के अच्छे और हेल्दी सब्जी बनाएं। यहाँ जो हमारा हाफ फ्राई हो चुका है और मैंने सरसों के साथ ही अदरक और लहसुन का भी पेस्ट सिलबट्टे पे पीस लिया था। सिलबट्टे पे पीसने से बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। मैंने सब्जी तो मिक्सी में भी मसाले पीस के बनाए हैं, लेकिन उतना अच्छा नहीं आता जितना अच्छा सिलबट्टे पे पीसे हुए मसाले का टेस्ट आता है। अब मैं इसे डाल देती हूँ और इसे थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेती हूँ। अदरक और लहसुन तो अच्छे से फ्राई हो गया है, अभी ही स्वाद अनुसार हम नमक इसमें ऐड कर देते हैं कि प्याज थोड़ा और अच्छे से गल जाए। हम लोग अपने घर में डेली यूज में सेंधा नमक यूज करते हैं। अदरक और लहसुन अच्छे से फ्राई हो गया है, अब इसमें जो हमने मसाले मिला के रखे थे उसे अब ऐड करते हैं। देखिए मसाला हमारा तेल छोड़ दिया है और ये फ्राई हो चुके हैं। अभी इसमें हम मोरिंगा और आलू को ऐड करते हैं। अब मसालों के साथ सब्जी को थोड़ा देर भून लेंगे, आधा से एक मिनट इसको फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे ही। मैं इस वीडियो में कोशिश करती हूँ कि घर में जो मसाले अवेलेबल हो या घर में जो थोड़े मोरे चीज अवेलेबल रहते हैं जो अधिकांशतः हर घर में मिल जाते हैं उसी से बना के आप लोग के सामने मैं अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ। पीसे हुए सरसों को हम लास्ट में ऐड करते हैं क्योंकि वो सारे मसाले को भूनने में थोड़ा टाइम लगता है, और उसी सभी मसाले के साथ अगर हम सरसों को डालते हैं तो ये थोड़ा सा जलते हैं जिससे कड़वाहट इसमें आ जाती है। सब्जी हमारे मसाले में अच्छे तरीके से मिल गए हैं। अब इसमें हम सरसों का पेस्ट जो सिलबट्टे से पीसा था उसे ऐड करती हूँ, और इसे भी मैं हाफ मिनट तक सिर्फ भूनूंगी। आप देख रहे हैं सरसों भी अच्छे से मिल गए हैं और भून भी गए हैं। सरसों डालने पे इसका टेस्ट और इसका स्मेल, वाह क्या ही कहने इसके, क्या मैं बताऊं। मसाले मेरे अच्छे से भून गए हैं और इसमें अच्छा सा कलर भी आ गया है। इसमें मैं 250 ग्राम मोरिंगा और 2 पीस आलू की सब्जी में हम सिर्फ आधा गिलास पानी का ऐड करेंगे। अगर आप ग्रेवी ज़्यादा पसंद करते हैं तो हाफ ग्लास की जगह आप एक ग्लास पानी भी ऐड कर सकते हैं। और अभी से मैं 10 मिनट तक के लिए सिधा के पकाती हूँ लो फ्लेम पे। बीच में मैं इसे चला के देख लेती हूँ, देखिए इसका कलर कितना ही हल्के कलर में ही अच्छे कलर दे रहे हैं, ना ज़्यादा मसाला दिख रहा है ना कुछ, और कम मसाले में टेस्टी सब्जी हमारे बन के तैयार होंगे। सब्जी में स्वाद उसके भुनने पे होता है, ना कि इसमें ज़्यादा मसाला ऐड करने से होता है। आप लो फ्लेम पे सब्जी को अच्छे से भुन के बनाइएगा तो कम मसाले में भी सब्जी बहुत ही अच्छे बनते हैं। अब 10 मिनट हो चुके हैं, सब्जी मेरा प्रॉपर वे में पक के तैयार है। आप देख सकते हैं आलू भी अच्छे से कट रहे हैं, सब्जी मेरे अच्छे से पक गए। अब मैं फ्लेम को बंद करती हूँ और मैं अभी इसका आपको टेस्ट बताती हूँ कैसा बना है। सब्जी बनके कम मसाले में बहुत ही टेस्टी बने हैं और इसके चबा के खाने का क्या ही मजे है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं और भी बेहतर और हेल्दी खाने की रेसिपी लेके आपके लिए आऊंगी। धन्यवाद।